मुरादाबाद शहर की पाकबड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लगभग 6 लाख के नकली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी हरियाणा में अपने मालिक के यहाँ 60 लाख रुपए चुरा कर फरार थे, जिसमें न सिर्फ इन सभी के खिलाफ वहाँ मुकदमा लिखा हुआ था, बल्कि ये नकली रुपए के साथ खुद को पकड़वा कर मालिक को भी जूठा फंसाना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने इनकी सारी मंशा पर पानी फेर दिया। कल दिनांक 31/5 को पुलिस के मुखबिर द्वारा हम लोग सूचना मिली कि 2 व्यक्ति कुछ नकली नोट लेकर आ रहे हैं, जिस पर सूचित करते हुए हम लोगों ने अपने TVS शोरूम के पास में NH-24 में एक टीम लगा दी, जिसपे नरेश कुमार पुत्र निरंजन सिंह, ग्राम नासरपुर थाना नखासा जनपद संभल, और महेश कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी नासरपुर थाना नखासा संभल को 2,000 रुपए के नोटों के 200 नोटों की 4 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन लोगों ने अपने नकली नोटों के बारे में नरेश पाल ने बताया कि हम हरियाणा में एक जितेंद्र दहिया सनाफ रामफल निवासी सिसाना थाना खरकौंदा जिला सोनीपत हरियाणा के यहाँ नौकरी करते थे। 1 महीने पहले उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया था। वो ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, उनके घर में 60 लाख रुपए रखे थे, ये हमें जानकारी थी, और इन लोगों ने उसको चोरी करने की योजना बनाई। उस पर एक दोस्त को अपने विजेंदर को भी इन्होंने शामिल किया और वो 60 लाख रुपए चोरी करके भाग निकले। 60 लाख रुपए को खपत करने के लिए ये यहाँ भाग गए, जिसमें विजेंदर वहीं बंटवारा हुआ इनका, 20-20 लाख रुपए तीनों के बंटवारे हुए, विजेंदर वहीं हरियाणा में गिरफ्तार हो गया, ये दोनों घर क्षेत्र में गाँव भाग गए। पैसे को तो इन लोगों ने अपने घर में रख दिया और ये बचत का इधर उधर भटकने लगे। भटकते समय इनके एक चचेरे भाई है राजेंद्र, जो सूरनगर में रहते हैं, यहीं से एक वकील साहब जो अभी बता रहे थे, इनका नाम है श्रीपाल शर्मा जी से मुलाकात हो गई। इन्होंने अपनी योजना बनवाई और इनसे कुछ पैसे की मांग की, इन्होंने हामी भर ली, और उस पैसे के साथ में इन्होंने राजेंद्र शर्मा ने इन्हें 6 लाख रुपए बरामद कराए दिए, नकली नोट दिए और योजना बनाई कि तुम्हारे श्रीपाल ने नकली नोटों की 6 लाख रुपए इन्हें दिए, 4 लाख रुपए अपने पास इन लड़कों को दे दिए और 2 लाख रुपए अपने पास रखे रहे। उसी योजना के तहत ये लड़के हम लोगों के यहाँ गिरफ्तार होना चाह रहे थे। गिरफ्तार तो हमारे हम लोगों ने इनको पकड़ा तो, लेकिन इनका मुकदमा हरियाणा में लिखा था 60 लाख चोरी का, और उसी 60 लाख चोरी में उनकी भी पुलिस घूम रही थी। ये भागदौड़ में इस तरह से हमको मिल गए। जब कड़ाई से हम लोगों ने शर्मा से पूछा तो शर्मा जी के पास में हमको 2,000 के 96 नोट मिले, और 96 नोट मिलने के बाद हम लोगों ने एक मुकदमा पंजीकृत किया इनके खिलाफ, 131/19 धारा 489 CC, और इसकी सूचना हम लोगों ने हरियाणा पुलिस को भी दे दी कि इससे संदर्भ पकड़े गए हैं। ये सूचना हरियाणा पुलिस को भी पहुँच गई और इतना इनका प्रकरण है। हरियाणा में इनका मुकदमा कायम है 170/19 457/380 IPC। सर पहले भी क्या इस तरह की नोट चलाना कि नोट चलाने का नहीं, इनके साथ तो हमारे थाने में तो इनके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं आई थी, इस तरह का प्रकरण नहीं आया। जिसके थ्रू मिले थे उसके बारे में कोई जानकारी की जा रही? इनके बारे में जानकारी हम लोगों ने की, जो श्रीपाल शर्मा जी हैं इनके बारे में जानकारी की, तो अभी और खंगाला जा रहा है। इनका रिकॉर्ड कुछ प्राप्त होता तो आपको बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए पूरा ठीक। ये श्रीपाल शर्मा ने 60,000 रुपये खपत करने के लिए एक योजना के तहत इन लोगों को उसको योजना बनाई। कैसे वकील ने इसके मतलब जाली नोट से लेकर आया था, तो जब वकील का और उसका जहाँ से जाली नोट लेगा, वकील ने क्वालिटी पहले से ही इसको जानता था क्या? ये जिसके यहाँ से ये लाए हैं क्या, मदर अली सनाफ इजहार अली के यहाँ से, तो वो पहले भी एक दो बार शायद उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। हम लोग उसको खंगाल रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा तो उसकी पूरी जानकारी देंगे। जो नोट ये बरामद हुए ये नकली है? ये नोट जाली हैं, फर्जी नोट है ये। सब कितने नोट है ये? 2,96,000 नोट है। 5,92,000। मास्टरमाइंड है तो पूरा जो ये जितेंद्र शर्मा है ये ज़्यादा मास्टरमाइंड है। ये लड़के तो अपने बचत का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरा सजेस्ट ये नकली नोट छापने वाला जो ये नकली छाप छापने वाला यहीं का है, ये डावर कहाँ का इसका है? हड्डी नोट
भट्टी मिल के पास डबल फाटक, डबल फाटक के रहने वाले, इसकी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। कल से हम लोग प्रयास लगी, टीम लगी हुई है, अभी हमारे यहाँ लोग गए हुए, अभी मिला नहीं, जैसे मिल जाता है तैयारी।